स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर सतेंद्र सर के साथ। बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसको आपको देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इवन सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इसको पकड़ लिया, मेरी बात को कैच कर लिया, तो इंग्लिश में आज के बाद तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। क्योंकि मैं लगभग 15 to 18 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, और लगभग सभी वीडियोस के कमेंट में एक दो कमेंट, दो चार कमेंट ऐसे ज़रूर दिख जाते हैं, सर प्लीज़ क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाइए ना, क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाइए ना। तो बच्चों, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, कितने सारे लेसन हैं और उनके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अब तो नोवेल भी ऐड हो गई, नोवेल के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े टिपिकल वर्ड हैं उसके अंदर, है ना। तो क्या आपको लगता है, इज इट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग? क्या ये संभव है कि आप हर एक चीज़ को याद कर लें? और क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है आपके पास टाइम। आपके पास क्या किसी के पास टाइम नहीं है? क्योंकि 5 मार्च आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम है, 12th क्लास, इवन 11th क्लास का भी 5 मार्च को है, और 9th और 10th का इस बार, जो 9th का भी मार्च में ही कर दिया, वैसे फरवरी में होता है। वैसे अच्छी बात है उनके लिए कि और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है 9th का बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा। गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट उन बच्चों को आगे बढ़ने देगी इस बार, कि जो पढ़ते नहीं है और वो पास हो जाएँ। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा, आप मेहनत करना शुरू कर दें, आपके पास टाइम है। मेरी आज की वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली 11th बट ऑल्सो 12th, 9th, 10th एंड आफ्टर 12th, लाइक BA, BCom या BSc कह सकते हो आपको। लेकिन BSc के बच्चे ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनके सामने मतलब वो इतना वो लिखते हैं तो उन्हें आदत पड़ जाती है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉलेज लेवल में भी आपको ये वाला तरीका काम आएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। यानी जो बच्चे अभी 12th का कॉलेज में आएंगे उनको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो आज की मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। हाँ, मैंने आपसे कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक क्वेश्चन को याद कर सकेंगे, और सबसे मेन बात मुझे ये बता दीजिए, क्या ये भी पॉसिबल है कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता। मैंने भी बचपन में खूब क्रैमिंग की है, खूब रट्टा मारा है, लेकिन जैसे ही वो क्लास ओवर हुई, क्लास ख़त्म हुई, चेंज हुई क्लास, तो वो मैं भूल गया। तो मैं नहीं चाहता ऐसी लर्निंग किस काम की जिसे हम भूल ही जाएँ। तो आज मैं आपको ये तरीका बताना चाह रहा हूँ, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो कैसे काम आएगी। आपने सुना होगा बच्चों, एक नाम है टेंस, सभी ने किए हैं, सभी ने किए हैं। हम टेंस के थ्रू उसको बनाना सीखेंगे। अब टेंस तो एक्चुअल में टोटल मिलाकर के 12 होते हैं, 12 के भी कम से कम 6 रूल्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH, WH, नेगेटिव। तो 12 6 इस तरह से तो 72 हो गए। लेकिन नहीं, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 5 मिनट का खेल है बच्चों, 5 मिनट आपको ध्यान से देखना है, और अप्रोक्स 80% क्वेश्चंस आप कर दोगे सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग। मैं पूरे टेंस आपको नहीं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता इतना टाइम नहीं है आपके पास, और यू गाइज ऑलरेडी हैव बीन टॉट, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़े हुए टेंस, और सब बोर भी होते हैं, लेकिन मैं उस बात को नहीं कहना चाहता, मैं चलता हूँ आज। मैंने यहाँ लिख रखा है, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन एंड हाउ टू राइट एनी क्वेश्चंस आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको राइट करना है, कैसे आपको लिखना है। यहाँ में लिखा है रामबाण तरीका आंसर लिखने का, 80% हो जाएंगे इस तरीके से, ये मेरी गारंटी है, और गारंटी क्या, आप खुद देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद दिखने लग जाएगा। ये मैं यहाँ पे 2 रूल लेके आया हूँ, कितने रूल लेके आया हूँ, 2 रूल, 2 रूल मैं लेके आया हूँ। यही 2 रूल आपके 80% सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे, 80% जो आपका पेपर है ना इंग्लिश का, इन्हीं के बेस पे पूरा हो जाएगा। उसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे। बच्चों, ये वो रूल है, आपको इसको याद भी नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, बस आपको इसको याद रखना है, SCIES ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये कब कब यूज़ होता है,
ता है ती है ते है, यानी जब जब आप सेंटेंस बोलोगे आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके आंसर में ता है ती है ते है आ रहा है, तो आपको इस वाले रूल का यूज़ करना है। और अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो, और मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है, ये दोनों रूल है। देखो ही शी इट एनी नेम अदर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको ये यूज़ करना है, ये वाला रूल। और अगर आपका होगा इनके अलावा कोई भी लाइक आई वी यू दे अदर एनी प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको यूज़ करना है ये। कैसे करना है अब आप देख लीजिए, मैंने नीचे बता रखा है। आप इसको, मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको किसी भी लेसन में आजमा के देख सकते हैं बच्चों, ये हर लेसन में हर जगह यूज़ होता है। अब मैं सबसे पहले आपके लेसन पे चलता हूँ, सेकंड वाले लेसन पे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पे मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं 11th की भी बात करूँगा, मैं नॉवल की भी बात करूँगा, मैं पोएम की भी बात करूँगा, आपको ता है ती है पे ही मैं पूरी की पूरी इंग्लिश को समटा दूंगा, मैं पूरी की पूरी इंग्लिश ख़त्म कर दूंगा सिर्फ इस ता है ती है ते है पे, देख लेना आप, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, मैं हर एक नॉवल पूरा इसी पे 80% सेंटेंस ला के दिखा दूंगा आपको। देखो कैसे आपको अच्छे से याद है, लॉस्ट स्प्रिंग में जो लेखिका होती है, जो राइटर होता है या होती है, वो सीमा पूरी जाती है, ठीक है ना, सीमा पूरी जाती है, किस पे खत्म हो रहा है, ता है ती है ते है। वहां वो किससे मिलती है, साहिब से मिलती है, ता है ती है ते है, उसे पूछती है ता है ती है ते है, तुम क्या करते हो, ता है ती है ते है। अब बच्चों देखो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव कौन से होते हैं और आपको अच्छे से पता है नेगेटिव कौन से होते हैं। तो अगर आप कहते हो तो मैं फिर भी, मैं एक बार, मैं लास्ट टाइम लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव मैं अभी समझा देता हूँ आपको। पॉजिटिव आपको पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मेरा नाम सुधीर है, अगला मैं बोलूँ मेरा नाम सुधीर नहीं है, अगला मैं बोलूँ क्या मेरा नाम सुधीर है, और अगला सेंटेंस जो होता है आपका क्या मेरा नाम सुधीर नहीं है। तो बच्चों देखो जिस सेंटेंस में आपको दिख जाता है नहीं, क्या दिख जाता है नहीं, वो आपका होता है नेगेटिव। क्या होता है नेगेटिव, जिसमें आपको दिख जाता है स्टार्टिंग में क्या, वो आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव, और यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है, तो नहीं से मैंने क्या बोला था, नहीं से हो जाता है आपका नेगेटिव, तो इसको आप प्लस कर दो, ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब आप किसी भी तरह का सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे लेखिका साहिब से मिलती है, साहिब से मिलती है पॉजिटिव हो गया, देखो जिसमें ना तो नहीं दिखे ना तो क्या दिखे ना क्या और नहीं दिखे, वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेखिका साहिब से मिलती है, लेखिका साहिब से नहीं मिलती है, क्या लेखिका साहिब से मिलती है, क्या लेखिका साहिब से नहीं मिलती है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपके माइंड में जो समरी आएगी वो हिंदी में ही आएगी, इसे मैं इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कुछ खास बेनिफिट होगा, क्योंकि पेपर में आपके माइंड में इंग्लिश नहीं आएगी, हिंदी ही आएगी, और जिनके माइंड में इंग्लिश आएगी उनको तो सीखने की जरूरत भी नहीं होती, वो अपने आप ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे सभी बच्चों को देखना है, तो ये बात यहाँ पर है पॉजिटिव। और WH वो होते हैं जिनमें आपका क्या क्यों क्या क्यों कैसे कहाँ कब लाइक ये सारे आते हैं बीच में, किसके बीच में, सेंटेंस के बीच में। जैसे हमारा यहाँ पे सेंटेंस है देखो तुम क्या करते हो, तो ये है WH, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसका तरीका नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव पे लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस आपके, मिनिमम 70% सेंटेंस आपके पॉजिटिव में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसको करना कैसे है, जैसे मान लो लेखिका सीमा पूरी जाती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको डायरेक्ट ये देखना, सबसे पहले देखो ये जो सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट किस में से है, इसमें से है या इसमें से है, तो
तो लेखिका क्या है, कोई नाम है, एनी नेम, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हो, तो यानी ये वाला रूल लगेगा लेखिका के लिए, ये वाला रूल लगेगा। चलो हम इसको बनाते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ पे, मैं आपको, आप देखो यहाँ पे लेखिका सीमा पूरी जाती है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस ऑब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, जाने का वर्ब, कौन जा रही है, लेखिका, तो सब्जेक्ट राइटर, क्योंकि यही है सर, उसके बाद वर्ब है, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और एस ई एस आएगा, गोज टू सीमा पूरी, बन गई इसकी इंग्लिश, वहाँ साहिब से मिलती है, काम क्या हो रहा है, मिलने का, कौन मिल रहा है, लेखिका मिल रही है ना, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा शी मीट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर एस एस आएगा, सी मीट्स विद साहिब। बच्चों यहाँ पे एक काम है आपके लिए, मुझे ये बताओ यहाँ पे जो मैंने मीट के बाद विद लिखा है वो सही है या गलत है, क्या मीट के साथ विद आता है या नहीं आता है, आपको मुझे बताना है, ठीक है। और मीट के साथ यहाँ पर दो वर्ड, एक मीट ये भी होता है एम ई ए टी, आपको ये भी देखना है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अब हम किसी भी उस पर चल जाते हैं, किसी भी उस पर चलते हैं, जैसे मान लो ये तो था लॉस्ट स्प्रिंग का, अब हम चलते हैं द लास्ट लेसन पे, द लास्ट लेसन में जो है, जो फ्रेंच है, जो लड़का है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, ताहे तीहे तीहे, वहाँ उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता है, फिर ताहे तीहे तीहे, रास्ते में वो सेना को ड्रिल करते हुए देखता है, ताहे तीहे तीहे, रास्ते में वो लोगों की भीड़ को देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास, जब वो स्कूल पहुंचता है, देखो हर सेंटेंस में ताहे तीहे तीहे, ताहे तीहे तीहे दिख रहा है आपको, तो यानी हम यहाँ पे टेंस का यूज करके बिना याद किए उसको काम कर सकते हैं, बहुत आराम से काम कर सकते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं डी वाटर पे, डी वाटर पे बोलता है जो लेखक है डगलस, वो स्विमिंग सीखने का फैसला करता है, ताहे तीहे तीहे, वो एक स्विमिंग पूल को ज्वाइन करता है, ताहे तीहे तीहे, जहाँ पर उसे विंग्स दिए जाते हैं, ताहे तीहे तीहे, ठीक है, और वहाँ पर उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, ताहे तीहे तीहे। ऐसा ही इंसिडेंट एक बार उसके बाद बचपन में भी हो जाता है, जब वो कैलिफोर्निया बीच पे जाता है, देखो सारे के सारे सेंटेंस ताहे तीहे तीहे पे, देखो मैं यहाँ पे सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम सेंटेंस आपको इसी पे मिल जाएंगे। अब चले अगले लेसन पे, अगले लेसन पे नहीं चलते, पोएम पे चलते हैं, माई मदर एट 66, जो कमाला दास है, जो पोएट है, वो अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जाती है, ताहे तीहे तीहे, ड्राइव वो कर रही है, वो ड्राइव करती है, ताहे तीहे तीहे, उसकी माँ उसके बगल में बैठी होती है, ताहे तीहे तीहे। बच्चों आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक एक लेसन को तो नहीं यहाँ बता सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी ट्राई करें, और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, आपको जितना टफ लगता है कि क्वेश्चन आंसर याद करने, उसकी वीडियो बनाओ, बच्चों वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको इतना बेनिफिट देगा ना बच्चों कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपको कितनी हेल्प मिलेगी इससे। अब एक बार मैं थोड़ा सा नॉवल के बारे में बात कर लूँ, फिर मैं 10th क्लास को भी थोड़ा सा बताऊंगा, और आज मैं कोशिश करूंगा 9th और 10th के भी कुछ लेसन की इसी में ताहे तीहे पे बताऊंगा, कि नॉवल पे जो आपका जो इनविजिबल मैन है वो कौन से गांव में जाता है, वोइपिंग में जाता है, ताहे तीहे तीहे, वहाँ वो मिसिस हॉल से मिलता है, ताहे तीहे तीहे, मिसिस हॉल के कोच एंड हॉर्सेज में वो रूम लेता है, ताहे तीहे तीहे, वो एक बहुत ही सनकी आदमी की तरह बातें करता है, या असंख्य आदमी की तरह काम करता है, ताहे तीहे तीहे। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ताहे तीहे तीहे में मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलता ना तो भी आप उसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस थे सारे, लेखक जो इनविजिबल मैन है वो इपिंग विलेज में गया, मैंने गया को ताहे तीहे तीहे कर दिया, जाता है वहाँ पर, उसने रूम लिया, मैंने उसको ताहे तीहे में बना दिया, वहाँ पर वो रूम लेता है, वहाँ उसकी मुलाकात मिसिज हॉल से हुई, मैंने उसको कर दिया, मिसिज हॉल से उसकी मुलाकात होती है, वो मिसेस हॉल से मिलता है। बच्चों आप इसको घुमा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आप वो वहाँ पे उसने बना रखी है उसी को आपको उसमें, मतलब कि जो क्वेश्चन जैसे उसमें दे रखा है उसी को आपको बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं 11th क्लास पे, नॉवल पे चलते हैं सबसे पहले। मिस्टर ओटिस एक भूतिया बंगला खरीदते हैं, शुद्ध हिंदी में बात चलती है यहाँ पे, चल रही है, ठीक है ना, भूतिया बंगला खरीदते हैं, ताहे तीहे तीहे,
लोग उन्हें वॉर्न करते हैं, वॉर्न करते ताहती रहते हैं कि वहाँ पे भूत है, अब यहाँ पर नहीं है, चलो इसको साइड कर दिया थोड़ी देर के लिए। बट वो कहते हैं ताहती रहते हैं, मैं भूत से नहीं डरता हूँ, ताहती है नेगेटिव में आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉवल, 11th क्लास की नॉवल भी यहाँ पे आ गई है। अब हम चलते हैं पोएम पे, 11th क्लास की पोएम पे। चाइल्डहुड, कवि अपने बचपन के चले जाने पर दुख व्यक्त करता है ताहती रहते हैं। वो कहता है मेरा बचपन कब चला गया, कहता है ताहती रहते हैं मेरा बचपन कब चला गया, इसको आपको पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, मैक्सिमम सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब हम चलते हैं वॉइस ऑफ द रेन पे। कवि बारिश की बूंदों से पूछता है ताहती रहते हैं तुम कहाँ से आती हो, ताहती रहते हैं वो बोलती है ताहती रहते हैं मैं यहाँ से आती हूँ। यहाँ पे भी देखो सारी की सारी इंग्लिश इस एक रूल पे सिमटी हुई है बच्चों, इस एक रूल पे सिमटी हुई है पूरी पूरी इंग्लिश, पूरी पूरी इंग्लिश आपकी इस रूल पे ही सिमटी हुई है। अब हम एक दो लेसन ले लेते हैं, एक लेसन हम ले लेते हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो इसमें होता है कि जो लेखक है बचपन से अपनी दादी माँ के साथ रहता है ताहती रहते हैं, उसकी दादी माँ उसका खूब ख्याल रखती है ताहती रहते हैं, उसकी दादी माँ उसको सुबह जल्दी उठाती है और स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर उसको छोड़ने के लिए जाती है। देखो सारी की सारी चीज़ें ताहती रहते हैं हमें दिख रही हैं। अब सारी की सारी मैंने फिर से बोला 80% सेंटेंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे 11th की बात होगी, अब 10th पे चलते हैं। लेंचो बहुत मेहनत करता है लेकिन बारिश आती है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, सभी में ताहती रहते हैं। फिर वो मजबूरी में भगवान को पत्र लिखता है ताहती रहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब 9th पे चलते हैं। 9th पे जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट लेसन द फन डे है। एक बार मार्गी को अपने दादा की डायरी मिल जाती है ताहती रहते हैं, वो देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो एक एडवांस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे टैबलेट पे पढ़ाई होती है, जहाँ पे लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, उन्होंने तो कभी कागज़ देखा ही नहीं था, उसे देख के हैरान हो जाती है। अब ये भी देख लो आपको ताहती रहते में दिख रहा है। मैं बच्चों आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो ज़रूर होगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे 3 से 4 सेंटेंस आप अपनी बुक के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं कि सर ये है, इसका भी ताहती रहते में जा रहा है। बाकी अगर आप कोशिश करेंगे ना तो 10th तो और कोई सीख रखा होता है शुरू से ही, तो आप आराम से इसको सीख लेंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारी वीडियोस जितनी भी आप उसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू।